जी कहना क्या चाहूँगा, बस अप्रैल महीने से मैं चैनल लेकर के आ रहा हूँ और अभी तक ऑलरेडी मैं 3 साल तक मीडिया लाइन से जुड़ा भी था और एसएमबीसी इनसाइट पे मैंने 3 साल काम भी करा है, ठीक ना। और बंगाल बंगाल बिहार झारखंड ये तीनों स्टेट्स को मैं देखता था। तो अभी तक हर न्यूज पे एक ही चीज ही दिखता है, कुछ अलग दिखना चाहिए, प्रोग्रामिंग भी कुछ अलग होना चाहिए उसके अंदर में। तो काफी चीज है जिसे बदल रहे हैं और हिंदी को ज्यादा आज के डेट में भारत में वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। हिंदी न्यूज चैनल्स को रीजनल चैनल्स ज्यादातर सभी जगह चलते हैं, तो ये पूर्वी भारत का पहला और एकमात्र अभी तक राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल होने वाला है जो कोलकाता से चालू हो रहा है। कोलकाता ही क्यों सिलेक्ट किया ऐसा, बाकी और राज्य हैं जहाँ पे आप नहीं, शूट करते हो? कोलकाता बंगाल का हूँ ना रहने वाला, और तो कोलकाता में हमारा अपना खुद का बिजनेस है, हाउस है, तो कोलकाता से ही हम कर रहे हैं इसको। क्या आगे भी लेके जाना चाहेंगे सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित नहीं, रहेगा? ये राष्ट्रीय है, ये हमारा डेन पे चलेगा, यूपी और दिल्ली डेन पे चलेगा, डिश टीवी पे चलेगा और वीडियोकॉन डीटूएच पे चलेगा, हैथवे और सिटी पे चलेगा। क्या कुछ नया टेक्नोलॉजी लेकर आए हुए हैं आप? तो जैसे अभी आपने बताया कि हम नया कुछ करना चाहते हैं, बाकी चैनलों ने तो सारा कुछ दिखा चुका है, तो आपके पास क्या ऐसी लॉबी है जो आप नया कुछ प्रेजेंट करने वाले हो? मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टार स्पोर्ट्स को अगर आप देखेंगे तो वो रीजनल लैंग्वेज पे जो है हिंदी होता है, गुजराती होते हैं, तो उस तरीके से हमारा भी ये होगा। महाराष्ट्र में हमारा दो लैंग्वेज पे चैनल दिखेगा, एक हिंदी पे दिखेगा और एक मराठी पे दिखेगा। सचिन जी, आप क्या कहना चाहेंगे चैनल के बारे में, क्या आपका ओपिनियन है? जी, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ चैनल के बारे में लेकर के, क्योंकि ऑलरेडी मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ और जब मैं स्टडी कर रहा था उस वक्त जब कॉलेज पीरियड में, तो मैंने पत्रकारिता किया था, मास कम्युनिकेशन किया था कि चलो भाई अगर कुछ नहीं तो पत्रकार सबसे ईमानदार व्यक्ति होता है, तो वो नहीं बन पाया था तो मैं डायरेक्शन में आया और हालांकि छोटे छोटे अखबार से जुड़ा भी रहा। तो जब इन्होंने इनसे मेरी दोस्ती हुई, तो इन्होंने जब मेरे से मीटिंग किया, तो उस मीटिंग में मुझे लगा कि इस बंदे में कुछ दम है। मैंने भी कुछ पूछा इनसे सारी चीज़ों को लेकर के, और ये बंदे ने बोला कि भाई मैंने यही सवाल, मैंने जो आपने अभी एक भाई ने पूछा कि आप कोलकाता से क्यों करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि मैं दिल्ली में भी करूँगा, मुंबई में भी करूँगा, तो मुंबई का पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ रहे हैं ये। तो इस तरीके से हम लोग हर जगह जो है ये लाइव जिस तरह से आपका इंडिया टीवी है आज तक है, उस लेवल पे लेके जाएंगे। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगी ये चैनल हो? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ हमारे सीएमटी एंड डायरेक्टर से। अभी तक वो फिल्म के डायरेक्टर थे, अभी वो एक चैनल के चैनल्स भी के लिए डायरेक्टर बन डायरेक्ट। रहे हैं, तो बहुत एक्साइटिंग सा एक प्लेटफॉर्म है। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं यहाँ पे इनोग्रेशन में भी आ रही हूँ एंड कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रही हूँ। जैसा कि सीएमडी ने बताया हमको कि काफ़ी कुछ एकदम ग्राउंड लेवल पर हम लोगों को जानने के लिए मिलेगा। न्यूज़ हम सब आजकल देख रहे हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो रह जाते हैं पीछे, जो आने चाहिए आगे वो नहीं आ पाते। गांव से हो, चाहे किसानों से हो, पानी से हो, एकदम नॉर्मल फैसिलिटीज से हो, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो छोटी से छोटी चीज़ें सरकार के सामने, देश के सामने, जनता के सामने आए। जी, इकबाल जी, आपका क्या ओपिनियन हो इसके बारे मैंने इनसे मिला था, लेकिन वो जहाँ तक मैं जानता हूँ इनको, ये बहुत डायनामिक पर्सनैलिटी है, आइडियाज इनके पास बहुत अच्छे हैं। आई वॉज वेरी इम्प्रेस मीटिंग विद दिस गाई, और लेट्स सी, लेकिन वो अगले आने वाले दिन में आपको पता चलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली हट के करने वाले हैं। बंदे में बहुत कॉन्फिडेंट है, ही इज वेरी गुड, वेरी टैलेंटेड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जी, अजीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं चौरसिया जी को बधाई दूंगा। एक जैसे इन्होंने बोला कि एक रीजनल रीजनल लोकेशन से, एक रीजन से हिंदी चैनल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं यही यही इनसे चाहूंगा कि रीजनल का एक अच्छा खासा ब्लेंड इस हिंदी चैनल पे मिले, बस इसके साथ मैं आपका ओपिनियन, मेरा गुड लक। सबसे पहले रवि चौरसिया को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उसके बाद में सचिन यादव को। सचिन एक फिल्म डायरेक्टर था, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ईमानदारी है। अभी जो न्यूज़ चैनल पे वो लोग ने काम कर रहे हैं,
डायरेक्टर का पोस्ट मिला है उनको, उसके उसके लिए बधाई हो, अच्छे ईमानदारी से काम करो, नए नए टेक्निक लो। जी चौरसिया जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, बोलिए। कि ये बहुत बड़ी जवाबदारी है देश को सच्चाई सच से वाकिफ कराना, और आप उसका ये पहला कदम है आज। देखिए मैं जहाँ तक अभी सारे चैनलों की बात करता हूँ ना, तो सच 99% दिखता नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें काफी चीज होता है। किसी भी मिनिस्टर्स को आम जनता बनाती है मंत्री, तो वो मंत्री बनते बनने के बाद वो कभी भूल जाते हैं, दिखते ही नहीं है। लेकिन हमारा एक शो भी होगा जो हम उस मिनिस्टर्स को, उस एरिया के मिनिस्टर्स को, मंत्री को अपने स्टूडियो में ला करके आम लोगों से कनेक्ट करेंगे। सर सच को दिखाना कहीं ना कहीं बैक से पीछे से कोई सपोर्ट भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सच नहीं दिखा रहे हो, पीछे से कोई सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं नहीं, अभी आज के डेट में क्या होता है ना, काफी न्यूज चैनल्स के अंदर में ये होती है ना कि भैया मेरे को कामयाब बन के रहना है, और मिनिस्टर्स के सारे ही जीना चाहते हैं और पत्रकारिता की सच्चाई को दिखाते ही नहीं है। तो आपने क्या फैसला किया, आप कैसे दिखा? मैं दिखाऊंगा ना। चौरसिया जी, एक और आखिरी सवाल आपसे, चलते चलते एक चौरसिया, दीपक चौरसिया जो कि 50,000 की नौकरी करते हैं, 5,000 आप 500 करोड़ मालिक है, तो क्या उन्हीं के रास्ते कदम? नहीं नहीं नहीं, मैं ईमानदारी से मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और हमारी 3 ऑलरेडी पहले से कंपनी चल रही है, और मैं 3 साल ऑलरेडी रह चुका हूँ मीडिया लाइन पे। मैंने मुंबई पे बंगाल की ममता बनर्जी 1 अगस्त 2013 को आई थी ना मुकेश अंबानी सारे उद्योगपति से, तो मैं भी था दीदी के साथ। अभी जो वहां से जो लॉन्च करेंगे कोलकाता से, वो ममता जी ही कर रही हैं, वो उनके हाथों से। अप्रैल में हमारा चैनल लॉन्च होगा, और दो DTH प्लेटफॉर्म पे दिखेगा, और 4 MSO पे दिखेगा। काशी भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों का जवाब। अच्छा एक और, इतने बढ़िया समारोह में मैंने एक फिल्म बनाई है, अभी मेरी फिल्म आ रही है, तो उसको भी मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है पेश कर देता हूँ। ये हाँ, अभी मैंने जस्ट फोटो निकालो दिया, फोटो निकाले मानो।